मेरे साथ एडवोकेट करतार सिंह हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और भारत में या पूरी दुनिया में जो वकील होता है, जो वकील समाज होता है, वो राजनीति हो सामाजिक आंदोलन, उस पर उसकी पकड़ होती है। हम बात करेंगे आज जो एयर स्ट्राइक को लेकर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, वो एक बड़ा खुलासा करना चाहते हैं। और राज ठाकरे ने जो कहा था कि अजीत डोभाल को पकड़ लीजिए सब पता चल जाए, क्या लग रहा है सर एयर स्ट्राइक पर आप क्या कहेंगे? सेटिंग है ये 50-50 का मैच है? ये हम देख सकते हैं कि इलेक्शन के कुछ दिन समय बचा है, जो हमारा लोकसभा के चुनाव होने, आम चुनाव होने हैं, तो उससे पहले ये सब चीज़ें यकायक हो रही है। और जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, अब आप देखिए कि हमारा इस पे क्वेश्चन उठता है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या है, हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस है वो क्या कर रही थी, और जो हमारे पॉलिसीज है वो भी कई हद तक कमज़ोर साबित हुई है। जो हमारे सेंटर में जो सरकार है एट प्रेजेंट, बीजेपी की जो सरकार है, तो इससे हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जब हम ये सब और सब नहीं रोक पाते हैं, डिफेंस पे हमारा बहुत मतलब बड़ा, बाहर उसके घर में घुस के बम फोड़ आएंगे लेकिन अपनी सीमा की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, हाँ, तो इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है। अजीत डोभाल को लेकर क्या कह रहे थे आपकी अभी बातचीत हुई होगी और उन्होंने कहा कि अपना भगा लो आतंक, हम बम फोड़ आते हैं? हाँ, इसमें भी हम कह सकते हैं कि मैंने तो फेसबुक पे भी लिखा है कि जो ये सब हुआ है, इसकी जो एक इंटरनेशनल लेवल की एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हाई लेवल जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसमें जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग जो हमारे हाईली जो इन्वेस्टिगेशन के टीम के साथ एसोसिएट हो, तो ताकि इसका जो सो वी कैन ब्रिंग आउट दी पर्पज एंड पर्सन बिहाइंड हु हैज़ कमिटेड दिस अटैक ऑन द पुलवामा अपॉन आवर सोल्जर्स हु वर किल्ड इन दिस हु वर वो तो ठीक है जांच हो, लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक वाला खेल है उस पर क्या लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उसमें हम कह सकते हैं कि जैसा हमारा देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए हमें ये मानना पड़ेगा, यदि हम इसमें जाते हैं कि ये सच भी हो सकता है, और सच तो तब होगा जब इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होगी, तो डोभाल जी को भी आगे उनसे भी क्वेश्चन किए करने चाहिए कि इसमें क्या सच है। और सच तो देखिए देश के सामने आना चाहिए, जो भी एक्टिविटीज है, सरकार इज द मेजर प्ले द रोल अबाउट हैंडलिंग दी ऑल दी प्रॉब्लम्स अबाउट टेररिज्म भी एक हमारा सबसे बड़ा इशू है देश में। तो शुक्रिया। तो देखिए अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पूरी तरह से मिट्टी में मिली हुई है, और चाहे वो CBI का मामला हो और सेना के जवानों ने जो इतना बड़ा काम किया उसको लेकर भी लोगों को लगता है कि कहीं अजीत डोभाल चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए तो कुछ खेल नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरनली बातचीत तो नहीं हुई है, और मोदी जिस तरह से चुनाव प्रचार में लगे हैं उससे सवाल तो खड़ा होता है। शुक्रिया। और कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अभी न्यूज़ चैनल की कुछ हेडलाइन देख रहा था, तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा था कि ISI के मिली भगत से ये सब जो एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान में, और 300 लोग इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं देख रहा था कि इसमें मरे हैं, तो वो जो गिनती जो कई की है वो इतनी जल्दी कैसे इन्होंने कर ली हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत बड़े हैं, तो यदि हमारे सामने फेयर सिस्टम हो, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉम्प्ट सिस्टम, एक्टिव सिस्टम हो, तो इसमें सब कुछ राजनीतिक माइलेज के लिए हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, एंटायरली वी कैन एज्यूम ऑल दिस थिंग्स दैट इट इज ओनली बिहाइंड ओनली फोकसिंग फॉर द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस, बिकॉज ये जो सरकार, जो बीजेपी सरकार की जो हमारी सत्ता में है एट प्रेजेंट,
तो ये सब घबरा रहे हैं अलायंस को देखते हुए, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो एक बहुत बड़ा अलायंस है और देश में मैसेज है और अलायंस का ये सब चलिए को शुक्रिया सर देखते हमसे हुए। बातचीत करने के लिए। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।